पंचकुला जिले में आज कालका विधानसभा में दिन दहाड़े फायरिंग हुई है, हमला हुआ है कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप चौधरी के काफिले पर। इस काफिले में जो हमला हुआ है उसमें एक समर्थक जिसका नाम गोल्डी खेड़ी है उसका घायल होने की सूचना मिली है। दो गोली उसे लगी है, फिलहाल चंडीगढ़ पीजीआई में उसका इलाज चल रहा है, गंभीर हालत बनी हुई है। वही जो प्रत्याशी है कांग्रेस के प्रदीप चौधरी वो भी चंडीगढ़ पीजीआई पहुंचे हैं गोल्डी खेड़ी का हालचाल जानने। लेकिन बड़ा सवाल हरियाणा पुलिस पर है, उसकी चौकसी पर है, उसकी नाकाबंदी पर है। जब चुनाव के दौरान, जब हरियाणा विधानसभा चुनाव जोरों पर है, सब जगह हर तरफ सतर्कता का दावा किया जा रहा है, नाकेबंदी है कि कहीं गाड़ी में कोई कैश तो नहीं ले जा रहा, कहीं हथियार तो नहीं ले जा रहे। ऐसे में दिन दहाड़े एक प्रत्याशी के काफिले पर हथियारबंद लोगों द्वारा हमला किया जाना, फायरिंग की जानी, ये बड़ा सवाल हरियाणा पुलिस और पंचकुला पुलिस पर है। साथ ही इसमें एक बड़ा सवाल यह भी है कि हमला आखिरकार किसके लिए था? क्या ये हमला गोल्डी खेड़ी के लिए ही था या इस हमले का टारगेट कोई और था? क्या कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप चौधरी पर यह हमला किया जाना था और उसकी चपेट में गोल्डी खेड़ी आया है, या फिर ये हमला राजनीतिक कारणों से है या फिर निजी कारणों से कोई आपसी रंजिश है? ये तमाम ऐसे सवाल है जो अभी बने हुए हैं, जिसकी स्थिति साफ होगी हरियाणा पुलिस द्वारा औपचारिक बयान जारी करने के बाद। फिलहाल की स्थिति यही है कि जो समर्थक थे गोल्डी खेड़ी उनका इलाज चंडीगढ़ पीजीआई में चल रहा है, गंभीर हालत उनकी बनी हुई है, दो गोलियों ने लगी है। पंचकुला पुलिस अब एक्शन में आई है, तो क्या ये माना जाए कि जो चेकिंग होती है, नाकाबंदी होती है, क्या वो खाना पूर्ति है महज? इतना बड़ा सवाल है सुरक्षा को लेकर, प्रत्याशी की सुरक्षा को लेकर, और हरियाणा पुलिस सो रही है। पंचकुला से, कालका से मेरे सहयोगी अक्षय के साथ मैं उमंग शरण। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।